एवरी वन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग है रियांज के बर्थडे से 2-3 दिन पहले का, यानी कि 14-15 तारीख का होगा। आई थिंक मुझे इतना डेट फिक्स याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी, मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये ब्लॉग मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको आज मैं एडिटिंग करके पोस्ट करूँगी कल। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ कि चलो पकौड़े भी बनाते हैं, मौसम अच्छा हो रखा है। तो जैसे पतले पतले आलू काट के चिप्स टाइप के पकौड़े बनते हैं ना, मुझे वो रियली बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपनी बहन के हाथ के, अपनी दीदी के हाथ के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं वैसा नहीं बना सकती जैसे वो बनाती है। सो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, तभी मेरे दिमाग में क्लिक होया कि हाँ चलो पकौड़े भी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो अब सब्ज़ी बनाना शुरुआत कर दी, तो पहले इसको फिनिश कर लेती इस काम को, उसके बाद मैं सब वो पकौड़े बनाऊँगी। तो रियांश यहाँ पे मुझे बड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा था, गुस्सा भी आता है जब बच्चे काम के टाइम पर डिस्टर्ब करते हैं। कई बार रियांश मेरे से मार खा लेता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं, और क्या करूँ, मेरा एडिटिंग करने का कुछ दिल नहीं कर रहा। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ब्लॉग अपलोड करने की सोची थी आज के बर्थडे के 2 दिन पहले, मेरी आँख में ये पता नहीं फुंसी टाइप की कुछ हो गई थी, वो बहुत पेन कर रहा था मेरे को, और पेट में दर्द भी था मेरे, पता नहीं क्यों, पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था तो इसलिए। और यहाँ पर बारिश भी देखो कितनी तेज़ हो रही थी, मैं आपको दिखा भी रही। रियांश, रियांश इधर देखो, हाय गाइस बोलो, बोलना। तो यहाँ पे अपनी बारिश इंजॉय करने के बाद मैं आ गई अंदर अपने किचन में, जिससे मैंने आलू कट कर लिए, प्याज भी कट कर लिया थोड़ा सा, और आलू को मैंने गोल शेप में चिप्स टाइप के लिए टाइप का कट किया है, इसे क्या बोलते हैं शेपर टाइप का जो होता है उससे। और यहाँ पे मैं सारे मसाले ऐड करूँगी, मसालों में क्या क्या ऐड करूँगी, नॉर्मल जो मसाला हम सब्ज़ी में ऐड करते हैं वही, हल्दी, नमक, मिर्च, और ये किचन किंग तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन किंग डालना, तो साथ में किचन किंग भी ऐड करूँगी। और अजवाइन को क्रश करके हाथ से थोड़ा मसल के तब डालेंगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन डालने के बाद, और अजवाइन हाजमा भी कर देती है, तो अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है पकौड़े में, किसी भी चीज़ में, मतलब पूड़ियों वगैरह में भी डाला करो अजवाइन, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे फ्रीज में से ना मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स जो होता है वो निकाल के डाल रही हूँ। हमने एक दिन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो उसमें बहुत सारा आ गया था, तो मैंने उसको रख लिया था, तो मैंने कहा मिर्च के बदले में चिली फ्लेक्स ऑर्गेनिक डालती हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। बहुत अच्छा टेस्ट आया था, मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही डाला था, उसके छोटे छोटे पाउच थे, एक एक दोनों एक एक डाल दिए थे। दैन यहाँ पे किचन किंग ले रही हूँ जो है एलिफेंट का, आई नो लोकल है ये, दूसरा वाला अच्छा होता है MDH का। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया, उसको भी ऐड कर लिया, और हमारे पकोड़े की तैयारी हो गई ख़त्म। उसके बाद हम तलेंगे जल्दी जल्दी अपने पकोड़ों को।
तो यहाँ पे साइड में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी तेल गरम होने के लिए। तेल नहीं, रिफाइंड ऑयल था। हाँ, रिफाइंड ऑयल रख दिया मैंने गरम करने के लिए। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं थोड़ा पानी से इसको मैश कर रही हूँ, मैश मतलब मिला रही हूँ। और उसके बाद हम तलेंगे अपने गरम गरम पकौड़े। सबसे पहले अम्मा ने और रियांश ने खाए थे, और हमारे कैमरामैन अरू ने खाया था, वो इनको बहुत पसंद आए थे। उसके बाद मैंने फिर पापा औरों को दिए थे। लास्ट में जो बनाता है वही खाता है, तो लास्ट में मैंने खाया था। पापड़ी सो यहाँ पे मेरे पकोड़े बनते भी जा रहे हैं और ख़त्म भी होते जा रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि बच्चे ही दो तीन आ गए थे खाने वाले। अरु था, फिर ये दूसरा भी, एक दो दो अरु थे, एक ये पलकू की मासी का लड़का था ये भी आ गया था, तीसरा बच्चा मेरा रियांश। तो साथ साथ ख़त्म होए जा रहे थे, तो फिर मैंने फटाफट से बनाए, उसके बाद मैंने भी खा लिए थे। तो ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है मेरा, 7 मिनट का। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर जो जो नया आएगा सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आगे, अब पता नहीं मेरे लिए तो अच्छे हैं, आप लोगों के लिए अच्छे होंगे नहीं होंगे वो आप लोग ही बताओगे मुझे। बाकी मिलते हैं एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।